अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है भी आपका एक नए ब्लॉग के साथ। आज के इस वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर लैपटॉप, जिस पर की अभी मिल रहा है 2000 रियाल का डिस्काउंट। यानी कि कुछ लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूं जिस पर मिलेगा आपको खरीदने पर भी 2000 रियाल का डिस्काउंट। तो चलिए देर ना करते हुए इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको हर लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन डिटेल और जो है प्राइस पता चले कि कौन से लैपटॉप का कितना प्राइस है कितना नहीं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ लैपटॉप एसर कंपनी का। कोर की बात करें तो ये कोर i3 है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इंटेल कोर i5 है ये। अगर इसकी सीपीयू की बात करें तो 1.0 GHz से लेकर 1.19 GHz तक इसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। अगर इस एसर के कोर i5 में रैम की बात करें तो ये 4GB रैम के साथ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इंटेल कोर i5 की बेजिंग भी है NVIDIA प्रोसेसर स्पीड के साथ। और यहाँ पर कुछ बेजिंग है जैसे कि एस्पायर 3 की बेजिंग, फास्टर वायरलेस है, नैरो बेजल डिस्प्ले रहेगी ब्लू लाइट शील्ड के साथ। अगर इस कोर i5 की अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले मिलेगी आपको 15.6 इंचेस के साथ। ब्लैक कलर में अवेलेबल है ये। और कलर की बात करें तो आप कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, काफी कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। 256 GB SSD के साथ ये कोर i5 मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको, चार्जिंग का पोर्ट और HDMI का पोर्ट और भी काफी सारे पोर्ट मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर फुल HD 1080 की बेजिंग, एसर का लोगो यहाँ पर काफी बड़ा सा। एसर कंपनी के कोर i5 के अगर यहाँ पर रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 2199 रियाल, यानी 2199 रियाल। लेकिन अभी इस पर आपको 300 रियाल का मिलेगा डिस्काउंट, और 300 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस है यहाँ पर अभी 1899 रियाल, यानी 1899 रियाल। यानी ये कोर i5 जो मिल रहा है आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले के साथ, ये अभी मिल रहा है आपको 300 रियाल के डिस्काउंट के बाद 1899 रियाल का, यानी 1899 रियाल का। अब 1899 रियाल को अगर इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस इंडियन रुपीज में हो जाएगा यानी 39,000 इंडियन रुपीज, यानी ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए कि 39,000 इंडियन रुपीज। और अगर आप इसे इस वाले स्टोर से आप इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी यहाँ पर 91 रियाल की, और ये 91 रियाल आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 91 रियाल की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ HP का। अगर इसमें प्रोसेसर टाइप की बात की जाए तो इंटेल पेंटियम गोल्ड इसका प्रोसेसर टाइप रहेगा। अगर ये डिस्प्ले की बात की जाए तो इस वाले लैपटॉप की, तो इसकी डिस्प्ले ये है 14 इंचेस की, यानी 14 इंचेस के साथ ये लैपटॉप है। अगर इसकी रैम की बात की जाए तो ये मिलेगा 4GB रैम के साथ। कलर की बात की जाए तो ये कलर है जेट ब्लैक, और जेट ब्लैक के साथ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कलर में, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें तो इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक डिज़ाइन है। विंडो की बात की जाए तो विंडो 11 होम एस मोड के साथ ये सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 2 GHz से लेकर 2.5 GHz तक ये सपोर्ट करेगा। 4GB रैम इसमें इंस्टॉल्ड है। टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB इसमें SSD रहेगा। अगर इसका एक्सटर्नल लुक देखें तो यहाँ पर मिल रहा है एक ईयरफोन का पोर्ट, और इधर मिल रहा है एक चार्जिंग का पोर्ट, और चार्जिंग के पोर्ट के साथ एक दो पोर्ट और मिल रहे हैं HDMI पोर्ट के साथ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये लुक है इसका। अगर इस HP के लैपटॉप की प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 1699 रियाल, यानी 1699 रियाल। लेकिन 200 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 1499 रियाल, यानी 1499 रियाल। और 1499 रियाल को अगर इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा इंडियन रुपीज में 31,000 इंडियन रुपीज, यानी 31,000 इंडियन रुपीज। तो गाइज यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट आपको HP का लैपटॉप। ये है HP पेवेलियन 360, यानी कि ये जो है 360 डिग्री पर जो है रोटेट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये फ्लिप हो गया यहाँ पर। तो इसको जो है अभी सेम पोजीशन में रखते हैं। और ख़ास बात ये है इस ये है फुल टच, तो आप इसको फिंगर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक पेन आती है उससे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 2 GHz इसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। रैम की बात की जाए तो 4GB रैम के साथ ये मिलेगा आपको। विंडो की बात की जाए तो विंडो 11 होम एस मोड के साथ ये सपोर्ट करेगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगी आपको 14 इंचेस की। यहाँ पर है इंटेल पेंटियम गोल्ड की बेजिंग,
और ये यहाँ पर भी बेजिंग है पेवेलियन की और काफी लाइट वेट है ये देखा जाए तो। बिल्कुल कैमरे भी देख लेते हैं चालू करके, कैमरे की क्वालिटी भी काफी अच्छी है अगर देखी जाए तो। अगर SSD टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB के साथ इसकी स्टोरेज रहेगी। इंटीग्रेटेड ग्राफिक डिजाइन है इसका। अगर इस HP के पेवेलियन लैपटॉप के अगर लुक की बात की जाए तो काफी अट्रैक्टिव लुक है इसका। सबसे बेहतरीन बात है ये कि फुल टच है ये और बहुत ही कम प्राइस पर। अगर इस HP पेवेलियन के रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पर है 2099 रियाल, यानी 2099 रियाल। लेकिन 400 रियाल का इस वाले लैपटॉप पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अभी, और 400 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 1699 रियाल, यानी 1699 रियाल। और 1699 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका प्राइस हो जाएगा लगभग 35,000 इंडियन रुपीज़ के ऑलमोस्ट, 300-400 इंडियन रुपीज़ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उसको आप खुद एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर मिल रहा है HDMI का पोर्ट, ये एयरफोन का पोर्ट, और इधर भी चार्जिंग का पोर्ट, एक दो पोर्ट और मिल रहा है इसमें। देख सकते हैं ये बिल्कुल फोल्डिंग है, HP का यहाँ पर लोगो है, और ये 360 डिग्री पर जो है रोटेट हो जाता है। अगर आप इस वाले लैपटॉप को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं इस वाले स्टोर से, इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ की 82 रियाल, और ये 82 रियाल आपको देने होंगे 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो है आपको 82 रियाल की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ एसर कंपनी का। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले यहाँ पर मिलेगी आपको 14 इंच की, और अभी जो है इसमें बैटरी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा ही लो बैटरी है, इस वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा। खैर इसके लुक की बात करें तो इंटेल इनसाइट की यहाँ पर बेजिंग है, एस्पायर बन के साथ काफ़ी सारी बेजिंग है, प्रिसीजन टच पैड है, ये 1080 की भी बेजिंग है, देखा जाए तो काफ़ी लाइट वेट है ये। और इस लैपटॉप का फुल नेम है एसर एस्पायर 1 सेलरॉन N4500। अगर इस वाले लैपटॉप की रैम की बात की जाए तो 4GB रैम इसमें इंस्टॉल्ड है, और इसकी टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 64GB SSD इसकी स्टोरेज रहेगी। डिस्प्ले तो इसकी 14 इंचेस की है। कलर की बात की जाए तो ये है सिल्वर कलर में, और सिल्वर कलर के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कलर में, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक डिज़ाइन है। यहाँ पर मिल रहा है ये एयरफोन का पोर्ट, HDMI का पोर्ट, और मिल रहा है यहाँ पर USB का पोर्ट, ये दो प्लस मिल रहा है इसमें आपको कैमरा। बैटरी अभी इस वाले लैपटॉप में है नहीं, नहीं तो मैं आपको कैमरे की क्वालिटी भी दिखाता कि इसके कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। इधर भी एक USB का पोर्ट मिल रहा है, इसमें एक एयरफोन का पोर्ट, यहाँ पर है एसर का लोगो। अब अगर इस वाले लैपटॉप के प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 1349 रियाल, यानी 1349 रियाल, और 450 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा यहां पर 899 रियाल, यानी 899 रियाल। और 899 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा 18,500 रुपीज़, यानी 18,500 इंडियन रुपीज़। अगर आप इस वाले लैपटॉप को इस वाले स्टोर से इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी यहाँ पर 43 रियाल, और ये 43 रियाल आपको डिपॉजिट करने होंगे 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 43 रियाल हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ HP का, जिसका फुल नेम है HP फैमिली 15। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस वाले लैपटॉप की ये डिस्प्ले मिलेगी आपको 15.6 इंचेस की, यानी 15.6 इंचेस के साथ इसकी डिस्प्ले मिलेगी। कोर की बात करें तो ये कोर i3 है, और कोर i3 की यहाँ पर बेजिंग भी आपको दिख रही होगी। अगर रैम की बात करें तो इस वाले लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है 4GB रैम। अगर इस वाले लैपटॉप के कलर की बात की जाए तो ये कलर है चाकबोर्ड ग्रे, और चाकबोर्ड ग्रे कलर के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक डिज़ाइन है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की इसकी कैमरे की क्वालिटी है। अगर इसमें विंडो की बात की जाए तो विंडो 11 इसमें इंस्टॉल है, वो भी एस मोड पर। इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक डिज़ाइन है। अगर इस वाले लैपटॉप में टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 256GB इसमें स्टोरेज है। अगर इस वाले कोर i3 लैपटॉप के प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है यहाँ पर 2249 रियाल, यानी 2249 रियाल, और यहाँ पर 650 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा ओनली 1599 रियाल, यानी 1599 रियाल।
और 1599 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस हो जाएगा ऑलमोस्ट 33,000 इंडियन रुपीज़, यानी 33,000 इंडियन रुपीज़। अगर आप इस वाले कोर i3 लैपटॉप को इंस्टॉलमेंट पर लेना सोच रहे हैं इस वाले स्टोर से, तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ की 77 रियाल की, और यह 77 रियाल डिपॉजिट करने होंगे आपको 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो है आपको 77 रियाल जो है पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं नेक्स्ट लैपटॉप दिखाने वाला हूँ आपको एसर का एस्पायर 3 के साथ। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले मिलेगी आपको यहाँ पर 15.6 इंचेस की, और ये टच नहीं है। कोर की बात की जाए तो कोर i5 है ये, जैसे कोर i5 इंटेल कोर i5 की यहाँ पर बेजिंग भी देख सकते हैं आप, फास्ट वायरलेस चार्जिंग के साथ है। रैम की बात की जाए तो इस वाले लैपटॉप में इंस्टॉल है अभी 4GB, और ये जो मिल रही है आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले ये है फुल HD के साथ। कलर की बात की जाए तो इस वाले लैपटॉप की तो ये है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसके इधर के लुक की बात की जाए तो इसमें चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा आपको, 2 USB के पोर्ट मिले हैं इधर, इधर देखा जाए तो इधर भी एक USB का पोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा एक फ्रंट का कैमरा। कुछ इस तरीके का इसका बैक का लुक है, एसर का लोगो है यहाँ पर। प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 2.20 GHz इसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। अगर इस वाले लैपटॉप की रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 2199 रियाल, यानी 2199 रियाल, लेकिन यहाँ पर आपको इस वाले लैपटॉप पर मिलेगा 550 रियाल का डिस्काउंट, और 550 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 1649 रियाल। वो 1649 रियाल को अगर इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में 33,800 इंडियन रुपीज़, यानी 33,800 रुपीज़। ऐसे मान के चलिए कि इस कोर i3 का प्राइस इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा 34,000 इंडियन रुपीज़, यानी 34,000 इंडियन रुपीज़। अगर आप इस वाले एसर कोर i5 के लैपटॉप को इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं इस वाले स्टोर से, तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ की 79 रियाल, यानी 79 रियाल, और ये 79 रियाल आपको देने पड़ेंगे 3 साल तक, यानी 3 साल तक जो आपको 79 रियाल की हर महीने किस्त जमा करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ एक टैबलेट, ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो एक्स है कन्वर्टिबल के साथ। खास बात ये है, ये है फुल टच, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये है फुल टच के साथ। अगर इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले आपको मिल रही है 14 इंचेस की। अगर इसमें रैम की बात की जाए तो इसमें है 8GB रैम, और टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB इसमें SSD है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक डिजाइन है इसमें, और इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले आपको मिलेगी यहाँ पर 13 इंचेस के साथ। कलर की बात की जाए तो ये कलर है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के साथ साथ इसमें आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्टिबल है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सेट हुआ। खैर इसको ऐसे ही रख देते हैं। अगर इस वाले टैबलेट में प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 3.0 GHz इसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। अगर इसमें विंडो की बात की जाए तो विंडो 11 होम इसमें अभी इंस्टॉल है। तो इसमें मिल रहा है आपको एक कैमरा प्लस एक मिलेगी इसमें टॉर्च, इसमें मिलेगा चार्जिंग का पोर्ट, HDMI का पोर्ट और USB का पोर्ट एक। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस है इस वाले स्टोर पर 3,999 रियाल, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 2,000 रियाल का डिस्काउंट, और 2,000 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 1,999 रियाल। और 1,999 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊँ तो इसका लगभग प्राइस हो जाएगा 41,000 इंडियन रुपीज, यानी 41,000 इंडियन रुपीज में इसका प्राइस हो रहा है। अगर आप इस वाले माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट को इंस्टॉलमेंट पर लेने सोच रहे हैं इस वाले स्टोर से, तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ 96 रियाल, और ये 96 रियाल आपको डिपॉजिट करने होंगे 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 96 रियाल हर महीने की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं नेक्स्ट लैपटॉप दिखाने वाला हूँ आपको एसर का, जो कि है स्पिन इंटेल सेलेरॉन N4500 के साथ। इंटेल इनसाइट की यहाँ पर बेजिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की बेजिंग है यहाँ पर स्पिन बन के साथ, HDMI पोर्ट के साथ, फैनलेस डिजाइन है, फ्रंट फेसिंग स्पीकर है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, 360 डिग्री ड्यूरेबल हाई डिजाइन है इसका, 14 इंचेस की इसकी टच डिस्प्ले है। अगर इसमें रैम की बात की जाए तो 4GB आपको रैम मिल जाएगी। अगर इसकी टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें टोटल स्टोरेज है ये 64GB eMMC। टच स्क्रीन है ये, अभी जो है इसमें बैटरी नहीं है इसलिए टच इसकी काम भी नहीं कर रही। कलर की बात की जाए तो ये कलर है सिल्वर, और सिल्वर कलर के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे कलर में ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बैक में यहाँ पर एसर का बड़ा लोगो
और ये जो है 360 डिग्री पर जो है रोटेट हो जाएगा, कन्वर्टिबल हो जाएगा। प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो एसर इंटेल इनसाइड में 2.0 GHz इसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। ग्राफिक डिज़ाइन की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक डिज़ाइन है इसका एसर स्पिन बन के। अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका इस वाले स्टोर पर रेगुलर प्राइस रहेगा 1599 रियाल, यानी 1599 रियाल। लेकिन इस वाले लैपटॉप पर आपको अभी मिलेगा 600 रियाल का डिस्काउंट। 600 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा टोटल 999 रियाल, यानी 999 रियाल। और 999 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो इस वाले लैपटॉप का प्राइस हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में 20,500 रुपीज़, यानी 20,500 इंडियन रुपीज़। तो इसका कुछ लुक देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इधर मिल रहा है एक USB का पोर्ट, यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट और एक ईयरफोन का पोर्ट देख लेते हैं इसके इधर वाले उसमें भी। यहाँ पर भी दो USB के पोर्ट मिल रहे हैं और एक मिल रहा है इसमें आपको सी टाइप केबल का पोर्ट। अगर आप इस वाले लैपटॉप को इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहे हैं तो इस वाले स्टोर पर इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ 48 रियाल, यानी 48 रियाल। और ये 48 रियाल आपको देने होंगे 36 महीने तक, यानी 3 साल तक जो आपको इसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी 48 रियाल हर महीने। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ एसोस का वीवो बुक फ्लिप। अगर इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी ये डिस्प्ले मिलेगी आपको यहाँ पर 14 इंचेस की। कोर की बात की जाए तो ये कोर i3 के साथ मिलेगा, HDMI पोर्ट भी मिलेगा साथ में। ये सोनिक मास्टर की बेजिंग है यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर इसमें रैम की बात की जाए तो इसमें 4GB रैम आपको मिल जाएगी। अगर टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो इस वाले कोर i3 लैपटॉप की तो इसमें 256 GB टोटल स्टोरेज मिल जाएगी। ग्राफिक डिज़ाइन की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक डिज़ाइन रहेगा। अगर इसमें प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो कोर i3 के साथ इसमें प्रोसेसर स्पीड रहेगी 2.10 GHz से लेकर 2.59 GHz तक। अगर इस वाले लैपटॉप में एसएस के विंडो की बात की जाए तो इसमें इंस्टॉल है विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ। अगर इसके ये कलर की बात की जाए तो ये कलर है स्टार ग्रे, और स्टार ग्रे के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कलर में। इधर मिलेगा बैक में आपको एसएस का लोगो। अगर इस वाले लैपटॉप में फ्रंट के कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट का कैमरा नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो है फ्रंट कैमरा लेस है। अगर एसएस कोर i3 के प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 1749 रियाल। तो इसका कुछ लुक देख लेते हैं। एसडी कार्ड रीडर का पोर्ट इधर मिल रहे हैं, दो यूएसबी का पोर्ट, एक यूएसबी टाइप सी का पोर्ट, ईयरफोन का पोर्ट, चार्जिंग का पोर्ट और एचडीएमआई का पोर्ट। अगर एसएस कोर i3 के लैपटॉप के रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस है 2359 रियाल, यानी 2359 रियाल। लेकिन 610 रियाल का डिस्काउंट मिलेगा आपको इस वाले लैपटॉप पर, और 610 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस यहां पर हो जाएगा 1749 रियाल, यानी 1749 रियाल। और अगर 1749 रियाल को इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट हो जाएगा 36,000 इंडियन रुपीज़ के करीब, यानी 36,000 इंडियन रुपीज़। 200-300 इंडियन रुपीज़ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें आप इतना ज़्यादा फोकस मत करना। मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा उसका करेक्ट प्राइस। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ एसर का लैपटॉप एसफायर 3 के साथ। कोर की बात की जाए तो इंटेल कोर i3 इसमें मिलेगी। यहाँ पर बेजिंग भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर एसफायर 3 की बेजिंग है। तो HDMI का पोर्ट है और भी काफ़ी सारी यहाँ पर बेजिंग है। यहाँ पर है फुल HD 1080 की बेजिंग। अगर इस वाले लैपटॉप की रैम की बात की जाए तो 4GB इसमें आपको रैम मिलेगी। टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB इसमें SSD मिल जाएगा। अगर इसकी ये डिस्प्ले की बात की जाए तो 15.6 इंचेस, यानी 15.6 इंचेस की ये डिस्प्ले रहेगी। कलर की बात की जाए तो ये सिल्वर कलर में है, और सिल्वर कलर के साथ साथ इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसर का लोगो मिलेगा बैक साइड में काफ़ी बड़ा। अगर इसके विंडो की बात की जाए तो ये विंडो 11 होम एस मोड पर ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पर मिल रहा है दो USB का पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट, इधर चार्जिंग का पोर्ट, और इधर भी देख लेते हैं इधर किस किस चीज़ का पोर्ट है। यहाँ पर इधर एक USB का पोर्ट मिल रहा है, प्लस मिल रहा है एक ईयरफोन का पोर्ट। अगर इस वाले एसर कोर i3 के लैपटॉप के रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पर है 1799 रियाल, यानी 1799 रियाल। लेकिन यहाँ पर इस पर आपको मिलेगा 500 रियाल का डिस्काउंट, और 500 रियाल के डिस्काउंट के बाद
इस वाले कोर i3 के लैपटॉप का प्राइस हो जाएगा टोटल 1299 रियाल यानी 1299 रियाल। और 1299 रियाल को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस हो जाएगा लगभग इंडियन रुपीज में 26,600 रियाल यानी 26,600 इंडियन रुपीज। लेकिन अगर आप इस वाले लैपटॉप को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ 63 रियाल, और ये 63 रियाल आपको डिपॉजिट करने होंगे हर महीने 36 मंथ तक यानी 3 साल तक, जो आपको 63 रियाल की किस्त जमा करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट लैपटॉप एसएस वीवो बुक। रैम की बात की जाए तो इस वाले लैपटॉप की कोर i3 रैम रहेगी। अगर ये डिस्प्ले की बात की जाए तो इसकी ये डिस्प्ले मिलेगी यहाँ पर 14 इंचेस की यानी 14 इंचेस के साथ। अगर इसके ये कलर की बात की जाए तो ये कलर है ट्रांसपेरेंट सिल्वर, और ये ट्रांसपेरेंट सिल्वर कलर के साथ साथ इसमें आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएस वीवो बुक का लोगो है काफ़ी बड़ा, और इसमें साउंड बाय हार्मन कार्डन। हार्मन कार्डन एक यूएसए बेस्ड कंपनी है यानी अमेरिका की कंपनी है जो कि काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर 84% ग्रीन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, लाइट वेट है इसका, हाई कैपेसिटी बैटरी है, ट्रांसफर फोन फोटोज बाय लिंक टू माई एसएस। तो आप अपने जो मोबाइल में ऑपरेट करना चाहते हैं वही इस वाले लैपटॉप पर ऑपरेट हो सकता। खैर अगर इसके प्रोसेसर स्पीड की बात की जाए तो 2.30 GHz जिसकी प्रोसेसर स्पीड रहेगी। टोटल स्टोरेज की बात की जाए तो इस वाले कोर i3 की स्टोरेज रहेगी यहाँ पर 256 GB SSD में। इंटीग्रेटेड ग्राफिक डिज़ाइन है इस वाले लैपटॉप का। यहाँ पर मिलेगा चार्जिंग का पोर्ट, USB का पोर्ट, दो और USB का पोर्ट, एयरफोन के पोर्ट, यहाँ पर एक USB-C टाइप का पोर्ट, और यहाँ पर भी दो मिल रहे हैं आपको USB के पोर्ट। खैर अगर इस वाले लैपटॉप के रेगुलर प्राइस की बात की जाए तो इस वाले स्टोर पर इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 2349 रियाल यानी 2349 रियाल। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा इस वाले लैपटॉप पर 850 रियाल का डिस्काउंट। 850 रियाल के डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस यहां पर हो जाएगा 1499 रियाल। अगर 1499 रियाल को इंडियन रुपीज में मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इसका प्राइस लगभग हो जाएगा 30,700 इंडियन रुपीज यानी 30,700 इंडियन रुपीज। अगर आप इस वाले एसएस वीवो बुक कोर i3 को इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट पर मंथ रहेगी 72 रियाल यानी 72 रियाल, और ये 72 रियाल आपको देने होंगे 3 साल तक यानी 3 साल तक जो आपको हर महीने डिपॉजिट करने होंगे 72 रियाल।